हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर कीपर। आज मैं अपने गार्डन का एक ब्लॉग वीडियो लेकर आया हूं। तो आज सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही है और ये वीडियो मैं सुबह 8 बजे के करीबन शूट कर रहा हूं। देख सकते हैं मॉर्निंग ग्लोरी में बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग हो रही है। इसके अलावा ये साइप्रस वाइन में भी बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग हो रही है। तो ये दोनों ही वाइन प्लांट है और रेनी सीज़न के बाद बढ़िया ब्लूमिंग करने वाले होते हैं। काफ़ी सारे सीड भी बनाते हैं, तो ये प्लांट आपको कहीं पर भी देखने को मिले नर्सरी में खासकर, तो ये प्लांट ज़रूर परचेज़ करके लाइएगा। फ़िलहाल तो अब इनका सीज़न जाने वाला है, तो अगर आपको पार्क वगैरह में ये देखने को मिले तो सीड इन पर इस टाइम बन रहे होंगे या एक मंथ बाद बनना स्टार्ट होंगे, तो चेक करिएगा। काफ़ी सारे सीड होते हैं, आप भी ले आइएगा। मैंने तो इन्हें सीड से ही ग्रो किया था। और देख सकते हैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो छाता लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो मैं छत पर किसी दूसरे काम से आया हुआ था, लेकिन फिर मैं वीडियो बनाने में लग गया। देख सकते हैं ये हैं कॉस्मोस, इन पर भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और ये मॉर्निंग ग्लोरी वाइन पूरे गार्डन में फैल जाता है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला होता है, तो हर कहीं आपको इसके फ्लावर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये मैक्सिकन पिटूनिया है, देसी वेराइटी का है, बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करता है। तो ये प्लांट आपको कहीं पर देखने को मिले तो आप भी इसे अपने गार्डन में ऐड करिएगा। इसके अलावा देख सकते हैं ये स्पाइडर लिली में भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और ये है क्राइनम लिली, और इसे सुदर्शन प्लांट भी कहते हैं, और लास्ट ईयर ही मैंने इसे ऐड किया था। और ये इसके जो आखिरी दो कलियाँ थी वो भी अब ब्लूम हो गई हैं, तो अब ये फ़िलहाल अगले साल ही ब्लूम करेगा। इसके अलावा देख सकते हैं चंपा में भी बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग हो रही है, तो ये प्लांट भी आप ज़रूर लेकर आइएगा। अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो ये नाग चंपा 30 से 50 रुपीज़ तक मिल जाता है, तो इसे आप ज़रूर ऐड करिएगा। इसके अलावा ये मधु मालती की वाइन है, 30 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया था। लास्ट ईयर भी ब्लूमिंग हुआ था लेकिन काफ़ी कम, लेकिन इस साल तो इसमें भरकर ब्लूमिंग हो रही है। वाइन वेराइटी का है, 30 से 50 रुपीज़ तक पॉली बैग में या फिर गमले में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और ये रेनी सीज़न में बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग करता है। इसके अलावा देख सकते हैं चंपा में भी ये आखिरी कली थी, ये भी अब ब्लूमिंग हो गई है, तो अब देखते हैं कि ब्लूमिंग होगा या नहीं। वैसे धूप में रखा हुआ है तो साल भर इस पर ब्लूमिंग होती रहती है। इसके अलावा पोर्चुलाका और पसलीन आज फ़िलहाल नहीं खिले हुए हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो थोड़े बहुत खिले थे वो भी बारिश के पानी से ख़राब हो चुके हैं। इसके अलावा देख सकते हैं ये मैक्स पर्पल हार्ट में फ़िलहाल ब्लूमिंग हो रही है। देख सकते हैं जितने भी पसलीन और पोर्चुलाका थे सभी की कलियाँ फ़िलहाल अब ख़राब हो चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। इसके अलावा देख सकते हैं ये जो वाटर लविंग प्लांट होते हैं इस टाइम काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने डिवाइड किया था, पूरे कंटेनर को कवर करना फ़िलहाल अभी स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा ये कुछ सेंसेवेरिया और इंडोर प्लांट जो सेड लविंग प्लांट होते हैं वो थोड़े से कोने में रखे हुए, फिर भी इस पर काफ़ी बढ़िया धूप आती है। इसके अलावा देख सकते हैं कुछ जो रेन वाटर प्लांट हैं उन्हें मैंने निकाल कर बाहर भी रखा हुआ काफ़ी दिनों से, क्योंकि इसमें मच्छर की प्रॉब्लम आती है, तो हफ्ते में 3-4 दिनों के लिए मैं सारा पानी निकाल कर ऐसे ही 3 से 4 दिनों के लिए रख देता हूं। तो आज काफ़ी दिनों से ये सूखे पड़े हुए थे, सूखे नहीं थोड़ी सी ही मिट्टी गीली थी, तो आज मैंने निकाल कर इन्हें बारिश में रखा हुआ काफ़ी अच्छे से, अब ये चल जाएंगे। और जब इनमें कीड़े पड़ने की प्रॉब्लम होने लगेगी तो मैं उसे निकाल कर फिर से थोड़े दिनों के लिए केवल मिट्टी को गीला रहने दूँगा। इसके अलावा देख सकते हैं ये है फन की एक वैरायटी है, फ़िलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा। इसके अलावा ये पेंसिल कैक्टस, सभी प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं रेनी सीज़न में, मेरे गार्डन में तो बाहरी पड़े हुए होते हैं और अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। बस मिट्टी आप अच्छी तैयार कीजिए, उसमें सैंड या फिर कहें बजरी अच्छी मात्रा में मिला लीजिए, तो पानी स्टोर नहीं होता तो प्लांट अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। इसके अलावा ये टर्टल वाइन बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा ये सभी बहुत ही हार्डी प्लांट है, आपको भी ये अगेव प्लांट या फिर ये कनेर प्लांट लगभग 2 साल पहले अंडे में रेनी सीज़न में ही रोड साइड से लेकर आया था, बहुत ही बढ़िया ग्रो हो चुका था और अभी भी काफ़ी ब्लूमिंग होती रहती है इसमें साल भर। और प्रूनिंग मैं करता रहता हूँ तो प्लांट को मैंने छोटा बना कर रखा हुआ है।
इसके अलावा ये एक और कनेर का ही प्लांट है। फ़िलहाल इस पर इसे मैंने इस साल प्रून नहीं किया हुआ था, तो इसकी हालत कुछ ऐसी है। और ये लोहे के ड्रम में रखा हुआ है, तो गर्मी में हीट के कारण इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई, लेकिन बारिश में ये अब अच्छे से ग्रो होने लगा है। इसके और ये हैं बीन्स लोबिया, 10 रुपीज़ के बीज लेकर आया था। इसमें वैसे लोबिया निकलती रहती है, लेकिन सब्जी के जितनी नहीं निकल पाती है सब्जी बनाने के लिए, तो तोड़कर हम ऐसे ही कच्चा खा लेते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है गार्डन से इस तरह से सब्जियाँ तोड़कर खाना। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो पूरा वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बार बार कैमरा जो है वो भीग जा रहा था। तो मैंने छोटा सा ही वीडियो बनाया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।